आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जून के सूखे के बाद जुलाई में हुई ताबड़तोड़ बारिश से छत्तीसगढ़ में धान समेत खरीफ फसलों की बुआई में हुई देर को कवर कर लिया गया है और पूरे प्रदेश में खेती किसानी जोरों पर है। धान को लेकर इस बार खास बात यह है कि सरकार की फसल परिवर्तन रणनीति के तहत इस बार धान के खेत पिछले साल के मुकाबले करीब 5 लाख हेक्टेयर घटकर 21.87 लाख हेक्टेयर ही है, लेकिन ज्यादा पैदावार का टारगेट है। पिछले साल 98 लाख टन धान पैदा हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि खेत कम होने के बावजूद पैदावार 1 करोड़ टन से ऊपर चली जाएगी, यानी पिछले साल से 2 लाख टन ज्यादा। अच्छी बारिश के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में देर से शुरू हुई बारिश अब अंतिम दौर में है। जहां बुआई हो चुकी है वहां रोपाई चल रही है। थोड़ी समस्या बस्तर और सरगुजा में ही है। वही बस्तर में जरूरत से ज्यादा बारिश होने की वजह से किसान खेतों से पानी निकाल रहे हैं। वहीं सरगुजा संभाल के सरगुजा, बलरामपुरा और सूरजपुर में खेत अब तक सूखे हुए हैं। हालांकि वहां भी शनिवार रात से बारिश शुरू हुई है, इसलिए मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में वहां भी धान की खेती के लायक पानी हो जाएगा, इसलिए धान की फसल पर कोई अंतर नहीं होगा। वहीं प्रदेश में अभी तक लगभग 27 लाख हेक्टेयर में ज्यादा में खरीफ फसलें बोई जा चुकी हैं। सर्वाधिक 21.87 लाख हेक्टेयर में धान, 1.61 लाख हेक्टेयर में मोटा अनाज, 1.5 लाख हेक्टेयर में दलहन और बता दें कि 74,000 हेक्टेयर में तिलहन तक तथा लगभग 75,000 हेक्टेयर में सब्जी और अन्य फसल बोई जा चुकी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अब तक खेती किसान के लिए पर्याप्त बारिश हो चुकी है। वहीं मॉनसून में हर साल 3 बार सूखे जैसी आशंकाएं पैदा होने लगती हैं। देरी के कारण जुलाई अगस्त में मॉनसून ब्रेक होने और सितंबर अक्टूबर में फसल पकने से पहले अगर बारिश ना हो तो सूखे जैसे हालात बनते हैं, लेकिन अनुभव यही है कि मॉनसून में थोड़ी देर या छोटे ब्रेक का खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।